दिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनर चाइल्ड हील करना अपना। ओके, इनर चाइल्ड अगर आप अपना हील कर लेते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है आगे की जर्नी। बिकॉज जो चोट अभी अभी लगी है उसमें ज्यादा पेन होता है ना, जो चोट लगी है उसका निशान है, उसकी मेमोरीज है, लेकिन वो चोट बहुत पहले लगी है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो इनर चाइल्ड वही चीज है, ये चोट आपको अभी अभी लगी है, इस जन्म में लगी है, तो इसका पेन ज्यादा होगा, राइट, बजाय इसके जो पिछले जन्मों में हुआ। उसके कुछ डीप इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ डीप पैटर्न्स आते हैं आपके लाइफ में, वो डेफिनेटली आपको हील करना चाहिए, बट ये भी एक अलग चीज है। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू प्रिपेयर कि आपको फिर से उस दिन की तरह लेटना है जिस दिन मैंने आपको हिप्नोसिस दिया था, ठीक है? और आपको जो कुछ भी मैं गाइड करूंगी, आपको सिर्फ आपको वो फॉलो करते जाना है, तो आपका इनर चाइल्ड हीलिंग होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन ऑन, अगर आप हिप्नोसिस कर रहे हैं आपका स्क्रीन ऑफ नहीं रहेगा, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंडली आई वॉन्ट टू सी योर फेस। मैम ओके, अभी अभी हाँ जी, हाँ जी, यस, मुझे रूम में जाना पड़ेगा। हाँ। और तीसरा ये है कि आपके ऑल्टरनेट नंबर्स आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए डायरेक्टली और टू एवरीबडी, इट डिपेंड्स आपके ऊपर, ठीक है? सो वो सब आपका, मेरा मोबाइल गुम हो गया मैम। ओहो, तो किसी पर्सन को बोल के रखिए कि आधा 1 घंटे के बाद आके आपको एक बार देख ले, है ना? एक्चुअली मैं स्टोर के पीछे रूम में रहती हूँ मैम। अच्छा, नहीं मैं उठ जाऊंगी, टेंशन मैं उठ जाऊंगी फिर से। आप नहीं डर लगता ना किसी को एक बार हिप्नोसिस करने के बाद? नहीं मुझे वैसे भी डर कम लगती है मैम। अभी मुझे हिप्नोसिस करेंगे, हिप्नोसिस में जा रही हूँ। नो वन विल डिस्टर्ब मी, नो वन विल कॉल मी। हाँ, अपने ऑल्टरनेट नंबर्स भेज दीजिए। अलका जी, आप अपना स्क्रीन ऑन करिए। जो लोग जा रहे हैं हिप्नोसिस में, प्लीज ऑन योर स्क्रीन, नहीं तो आई वुड नॉट अलाउ एनीबॉडी टू टेक द हिप्नोसिस। यस मैम, माही जी, आप खा पी लीजिए जल्दी से, क्योंकि नाउ वी आर रेडी। मैं भी हाथ में चाय लेके ही घूम रही हूँ। नहीं, ये अलाउड नहीं है। नहीं मैं उसको रख देती हूँ। ये बहुत डिफरेंट क्लास है हिप्नोसिस की, बिकॉज हिप्नोसिस में क्या होता है कि आपको एक तो मेंटली रेडी का होना होता है कि भाई अब हमारा क्लास होने वाला है, तो आई एम रेडी नाउ। अभी मेरा कभी भी हिप्नोसिस में जाने, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ना कि हाँ नेक्स्ट में मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगी, राइट? सॉरी मैम सॉरी। हाउ मेनी क्लासेस वी हैव फिनिश्ड टिल येट? मतलब ये यही मंथ में स्टार्ट हुआ है ना हमारा, क्या नवंबर में हमने स्टार्ट किया था? मुझे शायद 4-5 हो गया होगा मैम। एक मिस हो गया हम लोग का, उस दिन कैंसिल हुआ था। एक मिस हुआ आपका, यस। 4 हो गए मैम, 4। ओके, 4 ही हुए? नहीं, देखिए इसमें वीडियोस अपलोडेड है ना, हाँ 4 क्लासेस हो गए, ये 5th क्लास है। तो सी ना कि सारा कोर्स भी कंप्लीट आपका होना चाहिए, राइट? नमस्ते मैम। नमस्ते, हम लोग हिप्नोसिस ले रहे हैं, आप लेट जाइए, अपना कैमरा ऐसे रखिए कि मुझे आपका फेस दिखे। ओके, और अभी सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। ओके, अगर कोई डिस्कम्फर्ट प्रॉब्लम है तो वी विल डिस्कस आफ्टर द सेशन, थोड़ी देर आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? एंड जैसे ही, हाँ जी, अभी लेट जाऊं? बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग ओ लेट रहे हैं, सब लोग अपने ईयरफोन्स डाल रहे हैं कानों में,
और आपका माइक माइक में म्यूट कर रही हूँ। अगर कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ओके okay? मैम, इसमें एयरफोन नहीं जाता है मेरे वाले फोन में। तो आप प्रॉपरली सुन पाएंगे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ? तो बस ये आपको देखना है कि आपको सुनाई दे। हाँ, हाँ, सुनाई दे देगा। तो आप उसको एक जगह रख दीजिए फोन को, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। यस। हो गया अलका जी का हिप्नोसिस। उसको प्यार से बिठा दीजिए, नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। तमिषा जी, हम लोग हिप्नोसिस कर रहे हैं, तो अगर आपको करना है तो आप लेट जाइए, नहीं तो आप अपना कैमरा ऑफ कर सकती हैं आज। हिप्नोसिस का मैं तो अभी चाय पी इनर चाइल्ड हिप्नोसिस। करती हूँ करती हूँ। ओके, सो इन एवरी क्लास 4:20 के बाद अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप चेक कीजिए, अगर हिप्नोसिस हो रहा है तो आप या तो अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठिए। ओके, सो लेट तो मत आइए आप, ठीक है? सो एवरीबडी, नाउ आई एम स्टार्टिंग। सो जैसे उस दिन किया था ना, हाथ ऐसे ऊपर देखते हुए, वैसे ही हमको करना है। ओके एवरीबडी, अपना अपना हाथ धीरे धीरे अपने वेस्ट के ऊपर लेके आइए। वेरी स्लोली एंड जस्ट स्टेयर एट योर मिडिल फिंगर, अपनी मिडिल फिंगर के टिप के ऊपर देखिए, और उसको देखते हुए धीरे 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 आप अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे। आप अपनी आई से अपने हैंड को फॉलो करेंगे। कीप योर हैंड स्ट्रेट, बेंड नहीं करना है आपका हाथ एल्बो से। कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड स्लोली ग्रेजुअली अपना ध्यान केवल और केवल अपने हाथ की मिडिल फिंगर के टिप के ऊपर रहेगा आपका ध्यान, और धीरे धीरे बहुत स्लोली आप अपने हाथ को ऊपर लेकर के आएंगे। आपकी आईज केवल आपकी मिडिल फिंगर को फॉलो कर रही है। योर आईज आर फॉलोइंग ओनली एंड ओनली योर मिडिल फिंगर। धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे। आप अपना हाथ सीधा रखेंगे, आप अपने हाथ को एल्बो से बैंड नहीं करेंगे। फोकस ओनली और ऑन योर मिडिल फिंगर। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर ब्रिंगिंग योर हैंड्स अप। कीप योर हैंड स्ट्रेट, कीप योर हैंड स्ट्रेट, नो बेंडिंग एट ऑल। जैसे ही आपका हाथ आपके सर के ऊपर जाएगा, आपकी आईज उसको वहां भी फॉलो करेंगी, लेकिन आप अपना सर ऊपर नहीं करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली आप अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे। जैसे ही आपका हाथ आपके सर के ऊपर आएगा, आप थोड़ी देर उसको देखेंगे और आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी आंखें हैवी होने लगी हैं। सो अपनी मिडिल फिंगर को फोकस करते हुए, उसके टिप को फोकस करते हुए, आप धीरे धीरे आप अपना हाथ नीचे लेकर के आएंगे। स्लोली ग्रेजुअली
स्लोली ग्रेजुअली अपनी मिडिल फिंगर के टिप को देखते हुए आप धीरे धीरे अपना हाथ नीचे लेकर के आएंगे। स्लोली ग्रेजुअली आप अपना हाथ नीचे लेकर के आएंगे, वेरी स्लोली वेरी स्लोली। आपका ध्यान केवल और केवल आपकी मिडिल फिंगर पे है। यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर मिडिल फिंगर, टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर। वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली यू आर ब्रिंगिंग योर हैंड डाउन। अब आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। जैसे ही आप आपका हाथ नीचे आएगा, आपके वेस्ट से नीचे आएगा धीरे धीरे, वैसे ही आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। वेरी नाइस, यू आर डूइंग वेरी गुड। धीरे धीरे जैसे ही आपका हाथ नीचे आएगा, वैसे ही आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हाथ नीचे ले आइए प्रीति जी और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे नीचे लेके आइए, आपका ध्यान मिडिल फिंगर पे रखते हुए, और आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ इन अ मोमेंट आई एम गोइंग टू काउंट थ्री। अब थोड़ी ही देर में मैं तीन तक गिनूंगी। जब मैं तीन गिनूंगी केवल तभी आप अपनी आंखें खोलेंगे, उसके एक सेकेंड पहले भी नहीं। सो मैं जब तीन गिनूंगी तो आप अब से भी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे और अपने आप को अलाउ करेंगे और भी डीपर जाने के लिए। सो अलाउ योर सेल्फ टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। वेरी गुड। सो आई एम गोइंग टू काउंट थ्री नाउ। व्हेन आई रीच टू थ्री आई विल आस्क यू टू ओपन योर आईज। ओके, and only then you will open your eyes, not a moment before. One, two, three, eyes open. अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Perfect. अब आप फिर से अपने हाथ को ऊपर लेके जाएंगे बहुत धीरे धीरे, अपनी मिडिल फिंगर को स्टेयर करते हुए, उसके टिप को स्टेयर करते हुए। सो यू विल टेक योर हैंड अप स्लोली वेरी स्लोली वेरी स्लोली एंड कीपिंग योर अटेंशन ओनली ऑन द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर। अपनी मिडिल फिंगर के टिप पर ध्यान रखते हुए आप उसको ऊपर लेकर के जाएंगे वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। कीप योर हैंड स्ट्रेट। आप अपने हाथों को एल्बो से बैंड मत कीजिए। कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी मिडिल फिंगर की टिप पर होगा और आपकी आंखें कहीं और नहीं देखेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी हाथों की मिडिल फिंगर की टिप पर ही होगा। वेरी नाइस, यू पीपल आर डूइंग वेरी गुड। सो जैसे ही अब आप अपनी फिंगर्स को ऊपर लेके जाएंगे, अब आप और भी रिलैक्स हो जाएंगे। इस बार जब आप अपनी आईज क्लोज करेंगे, यू विल गो ट्वाइस एज डीपर इनटू हिप्नोसिस। वेरी नाइस। सो स्लोली स्लोली टेक योर हैंड्स अप। और जब आप आपका हाथ ऊपर आता है तो उसको थोड़ी देर देखिए, जब तक कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि
कि आपकी आंखें भारी हो रही हैं, उसको देखते हुए आप अपना हाथ नीचे नहीं लाएंगे, आप उसको वहीं देखते रहेंगे। सो धीरे धीरे आप अपने हाथ को ऊपर लेकर के जाएंगे और अपनी मिडिल फिंगर को देखते हुए, उसके टिप के ऊपर फोकस करते हुए धीरे धीरे आप अपना हाथ नीचे लेकर के आएंगे। यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड, वेरी नाइस। Slowly and gradually, now bringing your hand down. Very nice. Very, very nice. Bring your hand down little faster. Little faster. Yes. Bring your hand down. जैसे ही आप अपना हाथ नीचे लेकर के आते हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब आप आंखें बंद करेंगे अपनी, तो आप ट्वाइस एज डीपर डीप स्लीप में चले जाएंगे। सो नाउ यू आर रेडी टू गो टू द हिप्नोसिस, डीपर एंड मोर डीपर। गिव मैसेज टू योर आईज, देन यू यू वांट योर आईलिड्स टू बी रिलैक्स्ड। आप अपनी आईज को मैसेज दीजिए, आईलिड्स को मैसेज दीजिए कि अब आप रिलैक्स हो जाइए। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो नाउ योर आईज आर रिलैक्स्ड, आईलिड्स आर रिलैक्स्ड, आपकी आईज के आसपास के जो भी मसल्स हैं वो भी रिलैक्स्ड हो गए हैं। सो नाउ योर आईज आर क्लोज्ड। नाउ deeper and deeper give the message to your eyes that you want your eyelids to be relaxed and close so tightly that your eyes feel almost as though they are sealed. abhi aapko aisa mehsoos hoga ki aapki aankhein seal ho chuki hain aur aapki aankhein lock ho gayi hain. ab aapki aankhein puri tarah se band ho chuki hain, एकदम बंद हो चुकी है। अब आप अपनी आंखें नहीं खोल सकते। सो व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर दैट योर आईज आर सो रिलैक्स्ड एंड एज लॉन्ग एज यू होल्ड ऑन टू दैट रिलैक्सेशन दे वांट टू ओपन इफ यू वांट देम टू, तो अब आप चाहे भी तो अपनी आंखों को नहीं खोल सकते हैं। अगर आप उसको ट्राई करना चाहेंगे तब भी आपको नहीं, आप उनको नहीं खोल पाएंगे। ओके, नाउ स्टॉप ट्राइंग। अब आप ट्राई मत कीजिए। अब आपकी आंखें, आपने देखा कि वो खुलना नहीं चाहती हैं। वेरी गुड। नाउ जस्ट कंटिन्यू टू रिलैक्स, योर एंटायर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग दिस रिलैक्सेशन। वेरी गुड, वेरी नाइस। जस्ट क्लोज योर आईज, ओके, डोंट फोर्स देम शट, डोंट कीप देम शट। उनको जबरदस्ती से बंद मत कीजिए, उनको आराम से मिलने दीजिए अपनी आंखों को। फील हाउ कंफर्टेबल इट इज टू जस्ट अलाउ योर आईज टू रिमेन जेंटली क्लोज। जब आप अपनी आंखों को आराम से मिलने देते हैं, उनको बंद रहने देते हैं, तो कितना रिलैक्स फील होता है वो आप अभी फील कर रहे हैं। हाउ कंफर्टेबल इट इज टू जस्ट अलाउ योर आईज टू रिमेन जेंटली क्लोज। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, ब्रीथ फुली एंड इजीली। पूरी सांसें लीजिए और आराम से लीजिए और अपने आप को रिलैक्स होने दीजिए, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए।
लेट योर ब्रेथ फ्लो ऑल द वे डाउन टू योर चेस्ट एंड योर स्टमक। अपनी सांसों को आपके चेस्ट और स्टमक में जाने दीजिए, फील कीजिए कि आपकी ब्रीदिंग आपके चेस्ट और स्टमक में जा रही है। वेरी नाइस। और धीरे धीरे बॉडी में वो नीचे की तरफ फैलती जा रही है। वेरी नाइस। अब आप महसूस करेंगे कि आपके शोल्डर्स भी बहुत रिलैक्स और एकदम ढीले हो चुके हैं। योर शोल्डर्स आर रिलैक्स्ड एंड लिम्प। वाओ। फील योर एल्बोज बिकम लिम्प एंड रिलैक्स। सारी टेंशन आपकी बॉडी से निकलती जा रही है। विद एवरी ब्रेथ यू रिलैक्स मोर एंड मोर। हर एक सांस के साथ आपकी बॉडी और भी ज्यादा रिलैक्स होती जा रही है। जो भी आवाजें आपके चारों तरफ से आ रही हैं, वो आपको और भी ज्यादा अपने रिलैक्सेशन के लिए फोकस कर रही है और मेरी आवाज सुनने के लिए भी फोकस कर रही है। वेरी नाइस। सो लेट द रिलैक्सेशन जेंटली कैरेस योर बॉडी इनटू अ डीप स्टेट ऑफ कंफर्ट। सो अब आपकी बॉडी धीरे धीरे एक डीप कंफर्ट जोन में जा रही है और आप महसूस कीजिए कि सारी टेंशन मदर अर्थ में जाकर के मेल्ट हो रही है। इट इज मेल्टिंग एंड गोइंग इनटू द मदर अर्थ। सी दिस इज हैपनिंग। A new, refreshed, relaxing energy is entering through your feet to your body from Mother Earth. Mother Earth से एक नई refreshed energy आ रही है जो आपके पैरों से आपकी body में enter हो रही है। Feel now your body is more relaxed. Feel yourself relaxed more and more each time you exhale. जैसे ही आप अपनी सांसें बाहर छोड़ते हैं, आप और भी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। अब आप इस पूरी बॉडी को इसी तरीके से रिलैक्स होने दीजिए और जो रिलैक्सेशन आप अपने अंदर महसूस कर रहे हैं उसको पूरी बॉडी में फैल जाने दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन फील करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। तो आप अपने मन में इस तरह के विचारों को रख सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ थॉट्स दैट माय बॉडी इज रिलैक्सिंग, दैट रिलैक्सेशन इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर माय बॉडी। वेरी नाइस। आप अपने आप को अलाउ कीजिए और भी डीपर स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाने के। नाउ एज आई काउंट यू डाउन फ्रॉम 5 to 0, विथ ईच नंबर योर फिजिकल बॉडी विल रिलैक्स एंड योर माइंड विल बी वेरी वेरी काम। आप जब मैं
पांच से जीरो काउंट करूंगी तो आप और भी ज्यादा रिलैक्स स्टेट में चले जाएंगे और आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। सो यू विल गो 10 times डीपर इनटू अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब मैं 5 से 0 काउंट करूंगी और जब मैं 0 पे पहुंचूंगी तब आप 10 times डीपर डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में चले जाए। 5 4 3 2 1 0 डीप स्लीप। आपकी फिजिकल बॉडी और आपका माइंड बहुत ही शांत हो गया है। नाउ इट इज वेरी वेरी काम। यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस एंड एनी अदर साउंड कमिंग फ्रॉम द सराउंडिंग हेल्प्स यू टू फोकस ओनली ऑन माई वॉइस। अब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो भी आवाजें आपके आसपास से आ रही हैं वो आवाजें आपको मेरी आवाज से और भी ज्यादा फोकस करवा रही। कुछ देर में आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे और जो भी आवाजें आपके आसपास से आ रही हैं वो आप सुनेंगे और उसके बाद आप 100 times डीप स्लीप में चले जाएंगे। Now, your body has become more relaxed. You are becoming more aware of your mind. अब आप और भी ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं और आपके माइंड भी और भी ज्यादा रिलैक्स हो गया है और इसलिए वो बहुत बड़ा हो गया है जैसे आपका स्टाइल जो कि एक्चुअली इतना बड़ा है। और आप इमेजिन कीजिए जो हवा आ रही है वो आपके मन के सारे विचारों को क्लियर कर रही है एंड योर माइंड योर इमेजिनेशन बिकम फ्लूइड एंड फ्री। आपका माइंड और आपकी इमेजिनेशन अब पूरी तरह से फ्री हो चुकी है। थॉट बिकम लाइटर एंड मिस्टी एज दो दे वर सॉफ्ट। आपके विचार भी बहुत हल्के और सॉफ्ट हो चुके हैं बादलों की तरह। जो हल्के बादल होते हैं जो रूई के फाई के जैसे दिखते हैं ऐसे ही आपके विचार भी लाइट हो चुके हैं। बहुत ही ब्यूटिफुल ब्लू समर जो स्काई होता है वैसा ही आपका माइंड हो चुका है। अब आप अपनी मन की आंखों से देख सकते हैं कि आप बहुत ही सुंदर जगह पे खड़े हुए हैं। ये जगह आपके बचपन की कोई फेवरेट जगह भी हो सकती है और एक वो जगह जो आप जिसके आप बहुत ज्यादा शौकीन। आप अपने आप को वहां देख सकते हैं
और जहां पे आप अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं। आप अपने आप को उस जगह पर देख सकते हैं एंड यू कैन फील जॉय विद इन योरसेल्फ। ये वो जगह है जहां पर कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रिटेंशन नहीं है। अब आप अपने कॉन्शियस माइंड को वहां रेस्ट पर रख सकते हैं। वेरी नाइस। अब आप अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने आप को परमिशन दीजिए कि आप अपने आप को फिजिकली इमोशनली पूरी तरह से रिलैक्स करें। जितनी भी एंजाइटी है, फियर है, फ्रस्ट्रेशन है, सेल्फ डाउट है, डिसअपॉइंटमेंट्स है, इवन द फटीग ऑफ डेली लाइफ डिमांड्स, एवरीथिंग यू आर जस्ट वॉशिंग अवे। उन सब चीजों को आप खो रहे हैं। अब आप उसको कोई जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हवा के झोंके आ रहे हैं, आपके सारे डिफिकल्ट इमोशंस आप साफ करते जा रहे हैं, वो अपने आप ही साफ हो रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत ठंडी हवा के साथ और एक ठंडे पानी के झरने के साथ उन सब चीजों को साफ कर रहे हैं, अपने मन को पूरी तरह से साफ कर रहे हैं, अपने आप को फिजिकली और इमोशनली पूरी तरह से क्लीन कर रहे हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से फ्री फील कर सकते हैं। आप अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में इमेजिन करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रीन हरा भरा गार्डन है और ये बहुत ही डिवाइन गार्डन है जहां पर आपके एंजल्स, आपके स्पिरिचुअल गुरुस या जिन देवी देवताओं में आप विश्वास करते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। और इस गार्डन में आप बहुत ही रिलैक्स होकर के आए हैं और आप इस डिवाइन गार्डन को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप घूमते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां पर 10 स्टेयर्स नीचे की तरफ जा रही है। आप उन स्टेयर्स को देखते हैं। ये स्टेयर्स में दोनों तरफ लाइट लगी हुई है। वहां पर एक हैंडरेल है जिसको पकड़ के आप नीचे जा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इन 20 सीढ़ियों पे नीचे जाएंगे वैसे वैसे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। अब आप पहली सीढ़ी पे पैर रखते हैं, 1 नीचे जाते हैं, 2, जैसे जैसे मैं काउंट करती जाऊंगी वैसे वैसे आप नीचे चलते चले जाएंगे और अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे और भी डीपली। सो 3 गोइंग डाउन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप देखेंगे कि वहां पे कॉरिडोर है जहां पे कुछ दरवाजे हैं। आप उस कॉरिडोर के सारे दरवाजों को देखिए और उनमें से एक दरवाजे को सेलेक्ट कीजिए और उसके सामने खड़े हो जाइए।
आप सबको दरवाजा दिख रहा है तो अपना सर हिला करके बताइए, केवल सर हिला के बताइए कि आपको वो दरवाजा दिख रहा है। एवरीबॉडी, क्या आपको वो दरवाजा दिख रहा है? क्या आपको दरवाजा दिख रहा है तो अपना सर हल्के से हिला के बताइए। हाँ मैं सर हिलाइए अगर आपको वो दरवाजा दिख रहा है तो। वेरी नाइस। अब जब मैं तीन बोलूंगी तो आप उस दरवाजे को ओपन करेंगे और अंदर जाएंगे। वन टू थ्री, डोर खोल दीजिए और दरवाजे के अंदर जाइए। जैसे आप अंदर जाएंगे आप नोटिस करेंगे कि आप एक डार्क रूम में हैं। इन ए फ्यू मिनट्स योर आईज विल एडजस्ट टू दिस डार्कनेस। जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपको 2 मिनट लगता है ना अपनी आंखों में एडजस्ट करने को, वैसा ही यहाँ पर भी होगा। आप महसूस करेंगे कि इस रूम में कुछ भी नहीं, पर रूम के बीच में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई है। अगर आप लड़की हैं तो यस, एक छोटी सी बच्ची। अगर आप लड़का हैं तो एक छोटा सा लड़का जो आपकी तरफ देख रहा है और देख रही है। वो आपको देख करके बहुत खुश है बट थोड़ी सी डरी हुई है। ये सारी चीजों को आप देखिए। अब आप उस लड़की या उस लड़के की तरफ स्माइल करेंगे और उसकी तरफ चल के जाएंगे और उसको एक बड़ा सा हग देंगे। आप उसके हाथ को होल्ड करेंगे और उसकी आंखों में देखेंगे। आप उसको बताएंगे कि आप यहां उसको लेने आए। आप उससे सॉरी बोलेंगे कि अब वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप उसकी आंखों में देखेंगे और आप उसको बोलेंगे कि अब आप हमेशा उसके साथ रहेंगे। और उसकी आंखों में देख करके आप बात करेंगे। अब आप बोलेंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं और अब आप उनको लेने आए हैं। थोड़ा ये सब आपको मन में बोलना है। अब आप हमेशा उनके साथ रहेंगे। बट बिफोर यू गो देयर इज अ कपल ऑफ थिंग दैट द चाइल्ड नीड्स टू टेक केयर ऑफ इट। कुछ चीजें हैं जो आपको टेक केयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस बच्चे को बताइए कि जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी उसके पेरेंट्स ने किया वॉज द बेस्ट थिंग दे कुड डू। मतलब जिन परिस्थितियों में आपके, अगर आपको कोई शिकायत है अपने पेरेंट्स से तो जिन परिस्थितियों में उन्होंने जो कुछ भी किया वो वही कर सकते थे, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते थे।
ओके तो अगर किसी को बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं अपने पेरेंट्स से, तो आप अपने पेरेंट्स को इमेजिन कर सकते हैं अपने सामने और उनसे बता सकते हैं कि आपको उनसे क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। आप अपनी कंप्लेंट्स अभी बोल सकते हैं, मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, वो टाइम में आपको मेरी आवाज नहीं आएगी और आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। टॉक टू योर पेरेंट्स, मेक देम अंडरस्टैंड कि क्या चीज आपको उनकी अच्छी नहीं लगी, कब आप उनसे हर्ट हुए। अगर आपको कोई बात बतानी है आपके पेरेंट्स को जो आप नहीं बता सके कभी, वो आप अभी बता सकते हैं। टेक योर टाइम। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलिए कि मुझे पता है जो कुछ भी आपने किया आप उससे अच्छा नहीं कर सकते थे। आप समझते हैं, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, पर स्टिल जो भी आपके दिल में है वो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। ओके नाउ अलाउ योर पेरेंट्स टू गो एंड फॉरगिव योर पेरेंट्स, जो भी उन्होंने किया और जो कुछ भी आपको बुरा लगा, जस्ट फॉरगिव योर पेरेंट्स एंड से थैंक यू एंड शो योर ग्रेटिट्यूड टू योर पेरेंट्स। ओके से थैंक यू टू योर पेरेंट्स। वो जो कुछ भी कर रहे थे वो बेस्ट था उनके हिसाब से। सो नाउ यू नीड टू फॉरगिव यू ऑल्सो, आप खुद को भी माफ कर दीजिए और उनको भी माफ कर दीजिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए। फॉरगिव देम फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड। आपको भी नहीं पता था कि जो कुछ भी हुआ उससे बेटर आप क्या कर सकते हो, बट आप अब बड़े हो गए हैं, आप बुद्धिमान हो गए हैं, अब आप एक्सपीरियंस्ड भी हो गए हैं और आपको पता है कि अब आप ये दोबारा नहीं होने देंगे। इसीलिए अब आप उनके पास आए हैं और ये
आपको कभी भी दोबारा फेस करना नहीं पड़ेगा। और आप उनको हमेशा अपने पास रखेंगे। अब आप देखेंगे कि आपका जो इनर चाइल्ड है, वो एक छोटा जो बच्चा है, उसने सबको माफ कर दिया है, खुद को भी, अपने पेरेंट्स को भी और आपको। अब आप अपने इनर चाइल्ड का एक्सप्रेशन उसके अंदर देखेंगे कि उसकी आंखों में क्या हो रहा है, उसके एक्सप्रेशन को आप नोट करेंगे। अब आप देखेंगे कि उसकी आंखों में जो डर था पहले, वो आप कैसे हैप्पी और एडमायरिंग लुक में बदल गया है। अब आप उसको एक और बड़ा हग देंगे। अब आप उनको बोलेंगे कि अब ये समय है, हमें यहां से चलना चाहिए। आप अपने इनर चाइल्ड को लेकर के उस रूम से बाहर निकल आएंगे और आप अपने सीढ़ियों से ऊपर आएंगे, और जब सीढ़ियों से ऊपर आ जाएंगे तब आप उसका हाथ पकड़े हुए होंगे, और आप उसका हाथ पकड़ के ही उसको ऊपर लेकर के आएंगे। सो अब आप ऊपर आइए, मैं आपको समय दे रही हूँ, आप उसको लेकर के सीढ़ियों से ऊपर आ जाइए। अपने इनर चाइल्ड को सब लोग हाथ पकड़ के सीढ़ियों से ऊपर ले आए। जब आप सीढ़ियों से ऊपर आ जाएंगे तब आप अपने उस इनर चाइल्ड को अपने हार्ट में मर्ज कर लेंगे, अपने हार्ट चक्रा में उसको मर्ज कर लीजिए। अब थोड़ी देर में जब मैं आपको 1 से 5 तक गिनूंगी, तो आप इस रूम में पूरी तरह से अवेयर, पूरी तरह से अलर्ट वापस आ जाएंगे एंड फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। पर जैसा कि मैं पहले आपको 5 से शुरू करके 0 पे लेकर के आती थी फॉर द पर्पस ऑफ हिप्नोसिस, और आप बहुत जल्दी डीप स्लीप में चले जाते थे, अब जबकि मैं 1 से 5 काउंट करूंगी, जब मैं 5 काउंट करूंगी तब आप पूरी तरह से अलर्ट, पूरी तरह से अवेयर और बहुत अच्छा फील करते हुए इस रूम में वापस आ जाएंगे। आप जैसे कि मैं एक बोलूंगी, आप अपनी सारी बॉडीज एंड पर्सनालिटीज को इंटीग्रेट करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए अपनी फिजिकल बॉडी में महसूस करेंगे। सो यू आर बैलेंसिंग योर फिजिकल एंड ऑल द लेयर्स ऑफ योर बॉडीज इंटीग्रेटेड इनटू यू। कमिंग अप हायर टू फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ।
जैसे ही आपकी बॉडी इंटीग्रेट हुई है, पर्सनालिटीज बैलेंस हुई है, आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस महसूस कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। एट थ्री आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने आप को पूरी तरह डिस्कवर कर चुके हैं विद द इंटेंट ऑफ योर सक्सेसफुल इंटेंट ऑफ योर टू इंटीग्रेट योर इनर चाइल्ड। आपने अपनी सारी शिकायतें, अपने कंप्लेंट्स ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से कह दी हैं एंड अब आप बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत ही पावरफुल फील कर रहे हैं और आप अपने सारा नेगेटिव पास्ट बैगेज और सारे नेगेटिव थॉट्स जो आपके पास थे वो सब आपने रिलीज कर दिए हैं। अब आप अपने आप से पूरी तरह कनेक्टेड हैं विद जॉय, हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस और आपका पर्पस अपने इनर चाइल्ड को स्ट्रेंथ करने का, अपने आप में मर्ज करने का पूरा हो चुका है। नाउ एट फोर फाइंडिंग योर सेल्फ कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड वेरी एनर्जेटिक एंड विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड मेंटल डिस्कम्फर्ट, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड एंड बैलेंस, कमिंग बैक इन टू दिस रूम, कमिंग बैक टू योर अवेयरनेस एट फाइव, आईज ओपन वाइड अवेक, एवरीबडी आईज ओपन वाइड अवेक, आईज ओपन वाइड अवेक, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, एवरीबडी आईज ओपन वाइड अवेक, टेक योर टाइम, कभी भी स्ट्रेट मत उठिए, हिप्नोसिस के बाद पहले लेफ्ट साइड में टर्न होइए फिर धीरे से उठिए, स्ट्रेट कभी मत उठिए। ओके मैम।